राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित वन विभाग के मंथन सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की। इस बैठक में इस साल प्रदेश में किस तरह ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाया जाए उसको लेकर रणनीति तय की गई है। साथ ही इस अवसर पर यह फैसला भी लिया गया कि इस बार वन विभाग जो भी पौधे लगाएगा वह किसी भी प्राइवेट नर्सरी से पौधे नहीं लेगा। साथ ही इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार सरकार 15,000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, प्लांटेशन वन विभाग की एक किस्म से स्पाइन है। आप जब प्लांटेशन करेंगे और उस पर सर्वाइवल रेट जितको भी आज की तारीख में सुधार हुआ है, जो विगत 2 वर्षों में 44% का सर्वाइवल रेट था वो 54% हुआ है, और इसको हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने इसको एक इंसेंटिव से जोड़ा है कि जो भी डिवीज़न जितना ज़्यादा सक्सेस रेट देगी उस हिसाब से प्रदेश में उस डिवीज़न को अवार्ड करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग तकरीबन 15,000 हेक्टेयर जमीन पे हम करीबन 1,24,00,000 के आसपास प्लांटेशन करने का इस बार का हमारा लक्ष्य है। जिस और कुल मिलाकर के प्लांटेशन पॉलिसी को किस तरह से एक पारदर्शिता के साथ और एक रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और जो जहाँ पर जिस जगह की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है उसके हिसाब से प्लांट्स उपलब्ध हों, इसको लेकर के मंथन हुआ। और साथ ही साथ ये इस बात पे फोकस किया गया कि महिलाओं को और वन पंचायतों के लाइवलीहुड से जोड़ने के लिए इनकी नर्सरी से प्लांट्स खरीदने का काम किया जाए, और जिस तरह बहुत स्पष्ट किया गया कि प्राइवेट नर्सरी से बिल्कुल भी कोई प्लांट्स न खरीदे जाएँ, अपने स्वयं के स्तर पर तैयार करें और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वन पंचायतों के माध्यम से ये प्लांट्स लेने का काम करें। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिले, तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये तय हुआ कि ये जूनियर रिसर्च फेलोज लगाए जाएंगे हर डिवीजन लेवल स्तर पर, ताकि उनके माध्यम से जो किस तरह ट्रेन करने साइट स्पेसिफिक प्लांट बने हमारे, क्योंकि साइट स्पेसिफिक प्लांट बनना बहुत आवश्यकता है जिस पर हम लोगों ने फोकस किया, तो उनको हर डिवीजन में लगा करके हम उस भी आगे बढ़ेंगे।